जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जिनेन्द्र। आज मैं बनाऊंगी सूरत का बहुत ही फेमस लोचो, साथ में लोचो की स्पेशल चटनी और मसाला भी बनाएंगे, जिससे लोचो खाने की मज़ा और बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपने अभी ठंड की सीजन में ये गर्मा गर्म लोचो एक बार घर पर बना लिया तो घर के सारे लोग को ये लोचो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूरत का बहुत ही फेमस जैन लोचो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। लोचो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप चना दाल ली है, 2 टेबलस्पून उड़द दाल ली है और आधा कप पोहा लिया है। लोचो बनाने के लिए मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब एक टोप में चना दाल और उड़द दाल डालकर 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और पोहा को जब बैटर बनाएंगे तब हम पोहा को वॉश करके यूज़ करेंगे। 3 से 4 बार धोने के बाद इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से भीगने देंगे। देखिए, 5 से 6 घंटे के बाद चना दाल और उड़द दाल अच्छे से भीग के फूल गई है। अब ये पानी निकाल देंगे और इसे हम क्रश करेंगे। और ये पोहा को भी मैंने 1 घंटे के लिए धोकर अच्छे से भिगो दिया था, तो देखिए पोहा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर में उड़द दाल और चना दाल डाल देंगे और साथ में भिगाए हुए पोहे भी डाल देंगे। अब इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 कप पानी ऐड करके दरदरा क्रश कर लेंगे। अब क्रश करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसे हम वापस क्रश कर लेंगे। ये बैटर को हमें बहुत ज़्यादा फाइन क्रश नहीं करना है और न ज़्यादा दरदरा क्रश करना है। देखिए क्रश करके तैयार है, एक बार मिक्स कर लेंगे और देखिए टेक्सचर देखकर ही पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रखा है। इस तरह हल्का दरदरा क्रश करेंगे। अब इसे हम एक टोप में निकाल देंगे और ये बैटर हमें ढोकला से थोड़ा पतला बैटर रखना है तो ही लोचो एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे और थोड़ा फेंटते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमें ढोकला के बैटर से थोड़ा पतला बैटर रखना है। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब बैटर को ढक के 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे बैटर थोड़ा फूल जाएगा। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, पर 3 से 4 घंटे रखने से बैटर थोड़ा फूल जाएगा तो लोचो एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब लोचो पे स्प्रिंकल करने के लिए बहुत ही टेस्टी मसाला बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून नमक, 1/8 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के सारे मसाले को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला बनकर रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और बहुत ही टेस्टी चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 25 से 30 पुदीने के पत्ते और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे और साथ ही मैंने हरी मिर्च के टुकड़े ऐड कर दिए हैं, धनिया के साथ ही ऐड कर दिया है। 1/4 कप सेव ऐड करेंगे। सेव की जगह आप गाठिया, पापड़ी कुछ भी ले सकते हो या फिर लोचो बनने के बाद थोड़ा सा लोचो या फिर खमन भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और साथ में 1/4 कप पानी भी ऐड करके इसे हम फाइन क्रश करेंगे। देखिए चटनी क्रश करके तैयार है तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अभी चटनी काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें हम 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी थोड़ी खट्टी और मीठी होती है जो लोचो के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब 4 घंटे के बाद बैटर चेक कर लेंगे। देखिए बैटर में हल्के बबल्स आ गए हैं और बैटर की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये लोचो एकदम सॉफ्ट बनेगा। इतने बैटर में से 3 से 4 थाली लोचो बना सकते हैं, फिर डिपेंड करता है थाली की साइज़ पे भी। मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की थाली ली है तो बैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जब लोचो स्टीम करना है तब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे।
अब एक थाली में हम 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ज़्यादा सोडा ऐड करेंगे तो लोचो खाने वक्त सोडा का टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने थाली को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम बैटर ऐड कर देंगे और ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी डालकर पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो इसमें हम थाली रख देंगे और ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए लोचो बनकर रेडी है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और दूसरे बैटर में भी बेकिंग सोडा ऐड करके उसे हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अब लोचो सर्विंग करने के लिए मैंने यहाँ चटनी मेल्टेड बटर लिया है। बटर की जगह आप चाहो तो सिंग तेल भी ले सकते हो। मसाला हरा धनिया और बारीक सेव लिए है। गर्मा गर्म लोचो को इस तरह चम्मच से निकाल देंगे। देखिए एकदम फुला फुला और एकदम सॉफ्ट बना है, तो इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। लोचो को आप गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लोचो के ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और जो हमने मसाला बनाया था वो भी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव और हरा धनिया से गार्निश करेंगे और साइड में बहुत ही टेस्टी चटनी भी सर्व करेंगे, जो लोचो खाने की मज़ा और बढ़ा देगी। अब ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना चीज़ भी ये लोचो खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए 10 से 12 मिनट में दूसरी थाली भी स्टीम हो चुकी है, तो गर्मा गर्म लोचो को हम दूसरी प्लेट में सर्व कर देंगे। देखने से ही पता चल जाता है कि लोचो एकदम फुला फुला और सॉफ्ट बना है। ऊपर मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, बारीक सेव और हरा धनिया से गार्निश करेंगे, साथ में चीज़ भी ग्रेट कर देंगे और चटनी को भी सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म लोचो बनकर रेडी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे आप स्पेशली ठंड के सीजन में तो घर पर एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।